जम्मू की बात करें तो अभी ये जम्मू तक भी पहुंच चुका है और कश्मीर में भी आ रहा ही होगा, क्योंकि जम्मू में पहले एक दिन में 1-2 पेशेंट्स मिलते थे, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि 30% जो वहाँ पे आई इन्फेक्शन आ रही है वो सिर्फ पिंक आई इन्फेक्शन से ही, आँख लाल होगी, फिर रेडनेस होगी, देन डिस्चार्ज होगा, वाटरी डिस्चार्ज, या कभी थिक येलोइश डिस्चार्ज होगा, इचिंग होगी, सुबह आईज पे क्रेस्टिंग जैसा हो सकता है, या सूजन, जिन लोगों में इम्यूनिटी कम होगी, जैसे बच्चों में, बिल्कुल छोटे बच्चों में, प्रेग्नेंट लेडीज़ में, या कोई इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे हैं पेशेंट्स हैं जो थेरेपी पर, तो उनमें ये ज़्यादा सीवियर हो सकता है। सत श्री अकाल आदाब, नमस्ते, कश्मीर वाइज देख रहे हैं आप, मैं हूँ हरलीन कौर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इस वक्त मैं बैठी हूँ GMC बारामूला में और यहाँ पे मेरे साथ हैं डॉक्टर सबाना खान, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर एट द डिपार्टमेंट ऑफ ओप्थोमोलॉजी हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे, जो हम सब जानते ही हैं, एक जो बीमारी है, एक इन्फेक्शन है, वो बहुत रैपिडली फैल रही है, जिसको हम पिंक आई डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, साथ साथ आई फ्लू के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्थोमोलॉजी की जब बात आती है तो मुझे नहीं लगता इनसे बेहतर हमें इसके बारे में कोई बताएगा। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये बीमारी क्या है, क्या कुछ प्रिकॉशंस हमें इस चीज़ से लेने चाहिए, क्योंकि जब आँखों की बात आती है मुझे लगता है वो सबसे हमारे बॉडी का एक बहुत सेंसिटिव और डेलिकेट पार्ट है, तो उसकी जो प्रोटेक्शन है वो उतनी ही डेलिकेट तरीके से हमें करनी चाहिए। तो आइए मैम से जानते हैं कि वॉट इज़ बेसिकली द पिंक आई इन्फेक्शन। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप, शुक्रिया आपने हमें बुलाया जी। मैम, जो पिंक आई फ्लू है, ये है क्या बेसिकली, व्हाट इज़ इट? तो आप कैसे, हम व्यूवर्स को आप बताइए कि वो है क्या, क्योंकि सबको कन्फ्यूजन ही रहती है, क्योंकि अब आपसे बेहतर हमें कोई नहीं ये चीज़ समझा सकता है, तो आप हमें बताइए। पिंक आई बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है आई की, वायरल या बैक्टीरियल या एलर्जिक भी हो सकती है। इट इज़ कंजक्टिवाइटिस, जो हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, जो कि वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी और एलर्जिक भी। बट आजकल जो हम देख रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ यूजुअली वायरल, जो फैल रहा है बहुत तेज़ी से। तो इसमें सिम्टम्स यही होते हैं कि यूजुअली तो ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, माइल्ड होता है, घबराने की कोई बात नहीं है, बट हाँ फैलता बहुत है। तो इसमें सिम्टम्स यही है कि आँख लाल होगी, फिर रेडनेस होगी, देन डिस्चार्ज होगा, वाटरी डिस्चार्ज, या कभी थिक येलोइश डिस्चार्ज होगा, इचिंग होगी, सुबह आईज पे क्रेस्टिंग जैसा हो सकता है, या सूजन हो सकती है। तो मैम, जैसे कि इस साल की हम बात करें तो पहले भी ये जो इन्फेक्शन है ये ऑफकोर्स आई होगी, लेकिन इस बार इस चीज़ का, क्योंकि हम अगर हिंदुस्तान की बात करें, तेलंगाना की बात करें, महाराष्ट्र की, कर्नाटका की, दिल्ली की, तो किसी भी स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जम्मू की बात करें तो अभी ये जम्मू तक भी पहुँच चुका है और कश्मीर में भी आ रहा ही होगा, क्योंकि जम्मू में पहले एक दिन में 1-2 पेशेंट्स मिलते थे, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि 30% जो वहाँ पे आई इन्फेक्शन आ रही है वो सिर्फ पिंक आई इन्फेक्शन से ही आ रही है। तो मैम, व्हाट आर द रीज़न कि इस साल ही ये क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, या ये हर साल होता था लेकिन हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होता था? नहीं, इस साल ये हुआ कि नॉर्थ इंडिया में एक्स्पेशली जो ये रेनफॉल ज़्यादा हुआ, फ्लडिंग हुई, हॉट ह्यूमिड कंडीशंस रही, तो उस ओवर क्राउडिंग वगैरह की वजह से नॉर्मल से ज़्यादा हुआ, नॉर्मली भी रहता था, एंड सिंस इट स्प्रेड्स क्विकली तो इसलिए ज़्यादा रहा। तो ऑब्वियसली जब ये स्प्रेड होता है तो इसी तरह फैलता है फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक भी। और हाँ, हमारे जम्मू कश्मीर में भी नॉर्मली भी होते थे 2-4-5 केसेस, बट हाँ इस साल थोड़ा ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो मैम, व्हाट आर द इनिशियल लाइक साइंस, जो पहली साइंस, अगर घर पे हमें कोई ये वीडियो सुन रहा है तो क्या पता उनको भी ये कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो इनिशियल साइंस क्या है? इनिशियली मैंने जैसे कहा कि ये रेडनेस होती है, इचिंग होती है, और वाटरिंग होती है आईज़ में, या सूजन होगी, तो ये इनिशियल सिम्टम्स हैं। तो मैम, कोई एज ग्रुप है जो ज़्यादा, जिसको मतलब कि ध्यान रख रहे हैं इस चीज़ से, ये मतलब कि सारे एज ग्रुप्स के लिए सेम है या कोई ऐसा एज ग्रुप है? ये सारे एज ग्रुप्स में हो सकता है, लेकिन हाँ जो जिन लोगों में इम्यूनिटी कम होगी, जैसे बच्चों में, बिल्कुल छोटे बच्चों में, प्रेग्नेंट लेडीज़ में, या कोई इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे हैं
पेशेंट्स हैं जो थेरेपी पर, तो उनमें ये ज़्यादा सीवियर हो सकता है। बाकियों में ये खुद सेल्फ लिमिटिंग होता है, 7 से 10 दिन तक खुद ही ठीक हो जाता है। हाँ, हम अगर सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, और जो एज सच वायरल होता है उसके लिए हम बस ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप्स और कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे तो डिकंजेस्टेंस वगैरह। तो लेकिन हाँ, जो हाई रिस्क केसेस हैं जैसे मैंने बोला, तो उनमें सीवियर हो सकता है, इसलिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। एंड देर आर अदर कॉजेज ऑफ रेड आई भी, वो चीज़ें, वो कॉजेज एक्सक्लूड करने के लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। जी, तो जैसे कि हमें मैम ने बताया कि इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन हाँ, इसको अनदेखा भी हम नहीं कर सकते। अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप ज़रूर डॉक्टर के साथ कंसर्न करें, उनको बताएं, क्योंकि आँखों का मामला है और बहुत डेलिकेट सी चीज़ है, तो उसको प्रोटेक्ट रखना मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो मैम मुझे बताइए कि प्रिकॉशंस क्या हैं, मतलब कि अब किसी को ना ही हो तो पहले से क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए अपने आँखों को लेके? हाँ, पहले तो ये है कि अगर किसी को है कंजक्टिवाइटिस तो उसको चाहिए कि अपनी आईज़ को ज़्यादा रब ना करे, आई वाइप्स या किसी साफ सुथरे कपड़े से या कॉटन से साफ़ करे आईज़, हाथ बार बार सैनिटाइज करे, बार बार धोए, आंखें धोए साफ पानी से, गंदे पानी से नहीं, और देन प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगाए ताकि ये फैले नहीं दूसरों को। और अगर जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ उनको कांटेक्ट, फिज़िकल कांटेक्ट बाकी बच्चों से है तो वो अवॉइड करें, ठीक, वरना काम करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कांटेक्ट हो रहा है बाकियों से, क्योंकि ये फैलता है इन्हीं सिक्रीशंस की वजह से जो हाथ पे लग जाते हैं, बार बार हाथ आँखों पे लेने से, तो किसी और चीज़ पे लगाए, स्पेशली मोबाइल्स आजकल सबके हाथ में, फिर वो मोबाइल किसी और ने उठाया तो उनसे फैल जाता है। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन रखना है, देन किसी एक दूसरे का टॉवल, हैंकरचीफ, आई मेकअप, फेस मेकअप ये यूज़ नहीं करना है। अगर किसी को है तो कॉन्टैक्ट लेंसेज इन दिनों अवॉइड करने हैं, ओवर क्राउडेड जगहें अवॉइड करनी है, स्विमिंग पूल्स बच्चों को अवॉइड करने चाहिए। तो मैम ने हमें जितने भी प्रिकॉशंस हैं इस बीमारी के बारे में भी बता दिया, ये भी बताया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो है देखभाल अपनी आँखों की ज़रूरी है करनी। पहले ही अगर कहते हैं ना कि प्रिकॉशंस पहले ही ले लें तो इस हद तक हम पहुँचेंगे ही नहीं। तो मैम ने प्रिकॉशंस हमें सब अच्छे से ही बताई कि क्या क्या करना चाहिए, ओवर क्राउडेड जगहों पर नहीं जाना चाहिए, अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बीमारी आपको हो तो पर्सनल हाइजीन सबसे पहली आती है। तो अगर हम आँखों की बात करें तो ये बहुत सेंसिटिव पार्ट माना तो जाता है, तो पर्सनल हाइजीन वहाँ पे भी बहुत ज़रूरी आती है। और हमने बच्चों की बात की, बच्चों के लिए ये बहुत कहते हैं ना कि एक एज ग्रुप बच्चों का है कि जल्दी उनको ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो ऐसे ही और न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रही है मैम, थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने इस बीमारी के बारे में हमें और हमारे व्यूवर्स को बताया, थैंक यू।